नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। ट्रिपल ट्रेन हादसा, सदमा इतना गहरा कि 40 घायलों की काउंसलिंग करानी पड़ रही है। वे सामान्य व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कोई अचानक चीखने लगता है, कोई हंसने और कुछ फूट फूट कर रोते हैं। असम में मुख्यमंत्री शर्मा बोले, हमारी नई चुनौती अब खाद जिहाद है। इसराइल, अरब क्षेत्र में 100 मौतों के खिलाफ उतरे लोग। ब्रिटेन में लंदन में पारा 30 डिग्री पार हुआ, साल का सबसे गर्म दिन। कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू, 3 महीने में कार्ड बनवाना होगा। ओडिशा में पुरी में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए ऐप लॉन्च करेगा जिला प्रशासन। अमेरिका में फ्लाइट के अंदर एयर स्लाइड खुलने से क्रू मेंबर्स घायल, इमरजेंसी लैंडिंग। 10 महीने बाद नाइजीरिया से लौटे नाविक, बोले टॉयलेट का पानी पीना पड़ा। लोकप्रियता में विपक्षी लेबर पार्टी ने बढ़त बनाई, जॉनसन के इस्तीफे से सुनक का सिरदर्द बढ़ा। आगे 3 उपचुनाव पार्टी में उभर सकती है नाराजगी। 14 की उम्र में मस्क की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना कैरन। कांग्रेस का हार्ड हिंदुत्व, 101 ब्राह्मणों के साथ नर्मदा पूजन से चुनावी शंखनाद। भारत ने 4 बार के विजेता दक्षिण कोरिया को हराकर महिला जूनियर एशिया कप जीता। अमेरिका में पहली बार भारतीयों को 73% हाई स्किल H1B वीजा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।